नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। साल 2007 में आयोजित 50 ओवर के विश्व कप की नाकामयाबी के बाद उसी साल पहली बार T20 विश्व कप का आयोजन किया गया था, मगर भारत के बड़े सितारों ने उस विश्व कप में हिस्सा नहीं लिया था। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली ने भाग लेने से मना कर दिया और कप्तानी धोनी को दे दी गई थी। धोनी ने युवा टीम को लेकर उस विश्व कप को जिता दिया था, जो कि आप भी जानते हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका में धोनी सेना ने इतिहास रच दिया था। T20 विश्व कप में तब भारतीय टीम का कोई कोच नहीं था, टीम सिर्फ मैनेजर के साथ T20 विश्व कप खेलने गई थी। उस वक्त टीम इंडिया के मैनेजर थे पूर्व भारतीय क्रिकेटर लाल चंद राजपूत। उन्हीं के दिशा निर्देशों की वजह से टीम इंडिया जीतने में सफल रही। हालांकि योगदान टीम इंडिया के खिलाड़ियों को जाता है, पर टीम मैनेजमेंट का भी रोल बड़ा रहता है। स्पोर्ट्स कीड़ा से फेसबुक पर बात करते हुए लालचंद राजपूत ने भारतीय टीम के तीनों दिग्गज यानी राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली के ना खेलने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को 2007 T20 वर्ल्ड कप में ना खेलने के लिए मनाया था। उन्होंने कहा कि द्रविड़ इंग्लैंड में टीम के कप्तान थे और कुछ खिलाड़ी वहां से सीधे वर्ल्ड कप के लिए जोहानिसबर्ग पहुंचे थे। इसी वजह से द्रविड़ ने कहा कि युवाओं को मौका दे। लालचंद ने कहा कि विश्व कप जीतने के बाद हमें इसका पश्चाताप करना चाहिए था, क्योंकि सचिन हमेशा से ही मुझे बताते थे कि वो इतने सालों से खेल रहे हैं और अभी तक कोई विश्व कप नहीं जीत पाए। हालांकि टीम इंडिया ने साल 2011 में खिताब जीता, मगर सचिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए तब बेताब हुआ करते थे। आपको बता दें, T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत को धोनी जैसा महान कप्तान मिला। इसके बाद तो धोनी ने जो भी किया अपनी कप्तानी में, वो बस इतिहास है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।